बलियापुर का इतिहास दोहरेगा। ये रांची राजधानी है और राजधानी का जो है कि जो भीड़ होगा या इतिहास के पन्नों पे दर्ज होने वाला है। अभी हम है ईएएफ ग्राउंड में यानी कि टाटी सिलवे में, जहाँ पे एक्चुअली 17 सितंबर को जो बदलाव संकल्प महासभा टाइगर दा का आगमन होने वाला है और तमाम जो वक्ताएं आने वाले हैं उनको किस तरह का तैयारियां हैं इसको दिखाने का प्रयास करेंगे और आपको ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि इतने लोगों का यहाँ पे एस्टिमेट बनाया जा रहा है, कितना लोग यहाँ पे रह सकते हैं, तमाम चीज़ों की जानकारी हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश। और कितना दिन लगेगा दादा? अभी तो आज देख रहे हैं कि काम चालू हो गया है दो दिन पहले से और यह ऐतिहासिक होगा, देख सकते हैं अभी काम जोरों शोर से चल रहा है। उधर तूफानी रफ्तार पे टेंट बंधा रहा है, देख रहे हैं यहाँ से वहाँ हमारे क्रांतिकारी साथी लोग लगे हुए हैं। तमाम जगह पे जिस तरह से बदलाव संकल्प सभाएं चल रहे हैं वहाँ तादाद संख्या में भीड़ देखने को मिल रही थी, क्या लगता है कि रांची के इस पावन इस बार सब रिकॉर्ड टूटेगा और जो है कि बलियापुर का इतिहास दोहरेगा। ये रांची राजधानी है और राजधानी का जो है कि जो भीड़ होगा या इतिहास के पन्नों पे दर्ज होने वाला है। और 17 तारीख है, 17 तारीख बहुत पवित्र दिन है, पावन दिन है और उस दिन जो है कि ये टाटी सिलवे का ये मैदान पूरा देख रहे हैं कि इधर पूरा सिर्फ और सिर्फ खतियानी लोग क्रांतिकारी लोग का ही जो है कि जनसैलाब रहेगा। और राजधानी को चूंकि पूरे झारखंड के कोने कोने देखते हैं और कोने कोने ऑब्जर्व करते हैं, कोने कोने जो है कि कोने कोने के लोग इसको विशेष रूप से देखते हैं और उस दिन देखने को मिलेगा दृश्य ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक और रिकॉर्ड टूटेगा। बलियापुर का भी रिकॉर्ड हम लोग तोड़ेंगे। अच्छा। रांची से पूरे झारखंड से हम लोग आमंत्रण कर रहे हैं कि पांचों प्रमंडल से आइए और आ भी रहे हैं साथी लोग, फोन कर रहा है संथाल परगना प्रमंडल से फोन आ रहा है कि दादा 17 तारीख को हम लोग आ रहे हैं। इतना तक कह रहा है कि कोल्हान प्रमंडल, संथाल प्रमंडल और पलामू प्रमंडल के लोग कि 17 को गाड़ी नहीं चलेगा तो हम लोग 16 को ही आएंगे, उधर ही जो है कि हम लोग कहीं एक रात बिताएंगे, लेकिन 17 तारीख का कार्यक्रम में हम लोग भाग लेने आ रहे हैं। पूरा लहर है चारों तरफ, गांव गांव इधर देख रहे हैं, पूरा आदिवासी बेल्ट हमारा रांची क्षेत्र है और पूरे जो है कि आदिवासी समाज जो है कि हम लोग का पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और पूरे आसपास जितने भी हमारे सब समाज के मुंडा समाज, सरना समाज जितने भी है सभी कोई उरांव से लेकर मुंडा हो सभी कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और यह रांची की राजधानी में हम लोग ऐतिहासिक एकजुटता दिखाएंगे। आदिवासी मूलवासी और यहाँ सभी समाज के लोग एक रूप से देखने को मिलेंगे, चाहे वो आदिवासी समाज हो, मूलवासी समाज हो, सदाम समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सब समाज के लोग यहाँ पे दिखेंगे एक समान एक रूपता से। वक्ता के तौर पर तमाम जगह पे आप जनसभा करने जाते हैं लेकिन आप जायजा लेने पहुंच गए आज? अरे मेरा कर्म भूमि है, मेरा जन्म भूमि है, यहाँ पे खेले हैं, कूदे हैं, पढ़े हैं तो यहाँ के बाकी जगह वहाँ के हमारे क्रांतिकारी स्थानीय साथी लोग जगाते हैं, सबको बुलाते हैं, हम लोग जाके जो है कि प्रवक्ता के रूप में जा कर के बताते हैं एक एक बात। तो यहाँ पे गांव गांव जा जा कर, घर घर जा जा करके आमंत्रण भी दे रहे हैं क्योंकि यह हमारा जन्म भूमि है, यह हमारा कर्म भूमि है और जन्म भूमि और कर्म भूमि में कोई वक्ता नहीं है। हम लोग का वक्ता है रांची है, बाहर से आएंगे और हम लोग यहाँ जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं क्योंकि हम लोग एक आंदोलनकारी है, हम लोग माटी का बेटा है, हम लोग नेता नहीं है। और जिस प्रकार बिरसा मुंडा नेता नहीं बेटा थे, जिस प्रकार निर्मल दादा नेता नहीं बेटा थे, विनोद बाबू नेता नहीं बेटा थे, सिद्धू कानू, नीलांबर पीताम्बर, फूलो जानो, चांद भैरव नेता नहीं यहाँ के बेटा थे, तो उसी प्रकार हम लोग नेता नहीं बेटा है। हम लोग इस राज्य का नीति के लिए 60-40 को वापस करने के लिए यहाँ की खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, पुनर्वास नीति, विस्थापन नीति, यहाँ जो 23 साल हो गया झारखंड का और झारखंड बनने के पीछे जो है कि लंबा संघर्ष रहा और झारखंड राज्य गठन हुआ है तो उसका एक उद्देश्य है, यहाँ पते नहीं है कि चलो झारखंड किसका है, इसीलिए सभी कोई को एकजुट हम लोग होंगे और चट्टानी एकता का परिचय दिखाएंगे 17 सितंबर को और निश्चित ही वह ऐतिहासिक होगा और झारखंड नवनिर्माण की ओर जा रहा है, झारखंड उलगुलान की ओर जा रहा है, झारखंड क्रांतिकारी की ओर बढ़ चुका है। अब यहाँ के तमाम लोग अभी आज हम सीकेपी से आ रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ वीडियो शूटिंग की अभी निरीक्षण कर रहे हैं, जहाँ जहाँ गुजर रहे हैं रास्ते में पता चल रहा है तो यहाँ आइए 2 मिनट और तुरंत
50-100 आदमी इकट्ठा हो रहा है, यह क्रांति का लहर है। अभी खूंटी में हुआ, सीकेपी में हुआ, उधर से गुजरने मात्र से तो कहीं ना कहीं शोषण अत्याचार जुर्म का अति हो गया है और अति का अंत होता है और 2024 में हर शोषण अत्याचार जुर्म का पूरा खत्म हो जाएगा, अंत हो जाएगा। अब यहाँ झारखंड झारखंडियों के लिए होगा और कौन झारखंडी है इसका पहचान हम लोग करेंगे। और यहाँ पे स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, खनिज है तो खनिज, मुनाफा बंटवारा नीति, सब प्रकार का कानून हम लोग जो है कि बनाने का काम जी। सुमित दादा, जगह जगह पर आप लोग अभी लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों के प्रति? हम तो पहले ही बता चुके हैं कि जनता नेतृत्वकर्ता की तलाश में थी झारखंडी लोग, कि कोई मेरा पास आए हम साथ चलने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जब भ्रष्टाचार हो चाहे शोषण हो, जब बढ़ जाता है तो निश्चित रूप से वहाँ बदलाव प्राकृतिक रूप से तैयार हो जाता है। वही प्रकृति अभी झारखंड में देखने को मिल रहा है। सब कोई सोच रहे हैं कि खाली कोई हमको आवाज़ दे और हम चले। अच्छा, खाली नेतृत्वकर्ता का गांव गांव जगह जा रहे हैं तो जो माताएं बहने हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनके प्रति किस तरह का सद्भाव देखने को मिल रहा है? देखिए, अब हम पहले तो अनपढ़ थे, हम लोग के पूर्वज तो थोड़ा सा कठिनाई हुआ, हम लोग को उसका लाभ नहीं मिला। लेकिन आज का डेट में झारखंड पढ़ लिख के तैयार हो गया है, अपना हक अधिकार को समझ रहा है और डेली चर्चा परिचर्चा जो हो रहा है उसे हमारे अनपढ़ माता बहनों में भी जागरूकता आया है जी। इसलिए अब वैसा झारखंड नहीं है, अब जागरूक झारखंड है और अपने हक अधिकार के लिए तैयार झारखंड है, और जिसका परिणाम 2024 में देखने को मिलेगा। और उससे पहले अपना राजधानी का जो ये पहला बदलाव संकल्प सभा है उसमें भी आप सभी साथियों को, पूरे देश को देखने को मिलेगा कि राजधानी के लोग भी अब बदलाव के लिए तैयार हैं। चूंकि और बदलाव, और एक बात कहना चाहेंगे कि दो राष्ट्रीय पार्टी झारखंड में मुख्य रूप से अपना शासन करते आई है, एक कांग्रेस बीजेपी, उन लोग में भी इस कार्यक्रम को लेकर खलबली मचा हुआ है कि अच्छा। जैसे ही राजधानी का जो ये कार्यक्रम है टाटी सिलवे का, ये मैदान का, उसको देख के हमारा हो सकता है हम लोग का कार्यक्रम के बाद वो लोग यहाँ पर अपना शक्ति प्रदर्शन इसी मैदान में करेंगे जैसा हमको सुनने में आया है, तो ये डर हमको बहुत अच्छा लगा। देख सकते हैं 17 तारीख को प्रोग्राम कर लेकर क्रांतिकारी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो और खतियानी सुमिता और जेबीकेएसएस के सदस्य भी, मतलब पोल का इस साइड से शुरू होगा, बीच में गैलरी रहेगा और उधर भीड़ जितना जा सकता है उधर, हाँ उतना दूर तक, जितना दूर तक, इसलिए ना बाहर रखे हैं सब। स्कॉर्पियो ना, स्कॉर्पियो वैसा टी टाइप का ही रहे।